काफ़ी टाइम के बाद मैं इस एरिए में आया हूँ, लेकिन रोडों की हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं है। देख रहे हैं आप गाड़ी जिस तरह से चल रही है, तो प्लीज़ ये कौन करेगा? हम तो कर नहीं सकते, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ये देखें यहाँ पे भी कचरा पड़ा हुआ है, शहर के बीचों बीच कचरा पड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, रमज़ान का है 27वां रोज़ा, और आज हम जा रहे हैं दावत पे। कहाँ जा रहे हैं सला जी? तो वहाँ हम जा रहे हैं अफ्तार करने के लिए, सही है ना? तो अब रास्ते में जो जो चीज़ें होती जाएंगी वो हम आपसे शेयर करते जाएंगे। और देखिए इस वक्त हमें लियारी एक्सप्रेसवे में, ये देखें लियारी एक्सप्रेसवे पे हम जा रहे हैं, और अभी हमने फ़िलहाल मास्क उतारे हैं क्योंकि हमें बात करनी थी कैमरे के आगे, वरना SOPs का ख्याल भरपूर रखना है क्योंकि कोरोना वायरस दोबारा से फैल रहा है। लेफ्ट साइड पे कट होगा, और देखें यहाँ से एहतियात के साथ, और ये हम आ गए हैं वाटर पम्प के मेन चौरंगी जो है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम ये नॉर्थ कराची का ब्रिज लेंगे जैसे ही हम टर्न करेंगे, और ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा ब्रिज है, खूबसूरत। ये जब ब्रिज हम क्रॉस कर जाएंगे तो हम अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ आ जाएंगे। ये ब्रिज अच्छे से हमने क्रॉस किया, लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक भी रवा दवा है हर तरफ, और अब तकरीबन यहाँ से 7 से 8 मिनट का रास्ता है। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता होगा। लियारी एक्सप्रेसवे ने वाकई में सबकी ज़िंदगी आसान कर दी। तो ये जो हमारा सफ़र है टावर से लेके नागर चौरंगी तक हम आपको दिखाएंगे, और आज ही अवतार भी करेंगे बड़ी मज़ेदार। कुछ टाइम के बाद मैं इस एरिए में आया हूँ, लेकिन रोडों की हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं है। देख रहे हैं आप गाड़ी जिस तरह से चल रही है, सफाई सुथराई का भी इतना कोई ख़ास निज़ाम जो है ना मज़े का नहीं चल रहा, और रोड भी ज़रा इस वक्त जो है ना अच्छे से मेंटेनेंस की ज़रूरत है कराची को। तो ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं अगर ये आगे तक पहुंचा सकें, क्योंकि रोड्स काफ़ी ख़राब हैं, सफाई सुथराई नहीं है, है नहीं मज़े की, पानी जगह जगह पे आ नहीं रहा, ड्रेनेज का निज़ाम भी बहुत बुरा है। तो प्लीज़ ये कौन करेगा? हम तो कर नहीं सकते, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ये देखें यहाँ पर भी कचरा पड़ा, शहर के बीचों बीच कचरा पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। हम तो सिर्फ दिखा सकते हैं, बाकी काम करना तो गवर्नमेंट का है। थोड़ी बहुत हरियाली हुई है लेकिन पथरीली मिट्टी है बिल्कुल, इसमें पानी लग रहा है, गलता ही नहीं है, पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत बुरी हाल है यार। ये देखें कितना, मतलब मुझे तो लगा था कि मज़ा आएगा ब्लॉग करते हुए, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो कुछ मज़े के नहीं लग रहे, बहुत बुरे हालात हैं शहर के इस वक्त, और बोलते हुए अफसोस भी हो रहा है, लेकिन सच बात यही है। SOPs की धज्जियाँ उड़ी हुई हर जगह, जो कि सच बात है। हमने भी मास्क इस वक्त नहीं लगाया हुआ, लेकिन हमने मास्क लगाया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा रक्षा भी ख़राब हो गया, और ये देखिए रोड पे हरियाली करने की कोशिश की गई है लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है चीज़ों की, रोड बर्बाद हो गया। तो हम तो बस ही दुआ कर सकते हैं और अपनी वीडियो के ज़रिए आपको बता सकते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो जाए। ये देखिए ये और कचरा यहाँ नज़र आएगा आपको थ्रू आउट कराची टू नागर चौरंगी, अभी तो आधे रास्ते पे हम। ये देखिए और कचरा, जगह जगह पे कचरा है, मिट्टी है, सारी चीज़ें पड़ी हुई। तो ये देखें और ब्लॉग, बेसिकली मैं तो सोचा था तफरी करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ सूरत हाल अजीब सी है, और अब हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। सो इस वक्त हम लोग तकरीबन नागन चौरंगी पहुँच चुके हैं, और ये देखिए ये ब्रिज है, ये मेन ब्रिज है नागन चौरंगी का, इसके नीचे बेसिकली चौरंगी हुआ करती थी पहले, इसे कबाड़ भी पड़ा हुआ। तो भाई अपील करने की ज़रूरत है, और अब हम करेंगे अपील पुरजोर तरीके से। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, प्लीज़ आपसे मुखातिब है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं आपसे, हम चाहते हैं कि आप काम करें, हम चाहते हैं कि आप हुकूमत में भी रहें और गवर्नमेंट आप ही चलाएं। पढ़े लिखे लोग हैं सब, वेल एजुकेटेड लोग हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है सबकी, तो प्लीज़ शहर पे थोड़ी सी तवज्जो दें, शहर को ज़रूरत है आप लोगों की, जब वोटिंग हो रही होती है तो जैसे हमारी ज़रूरत होती है आप लोगों को, वैसे ही शहर को आप लोगों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस शहर का कुछ ख्याल रखें, और ये देखें पथरीला शहर हो रहा है इस वक्त, लग रहा है कि पत्थर के जंगल में आ चुके हैं हम लोग। ये देखें
बसेस खड़ी हैं फुटपाथ के ऊपर, माशाल्लाह क्या बात है। हम लोग कहाँ रह रहे हैं हम लोग माशाल्लाह, ये तो चेक करें, ये नहीं मतलब कोई लाजवाब कचरा कुंडी शहर के बीचों बीच, और कोई इतनी बड़ी कचरा कुंडी है कि ये देखें। इस वक्त ब्लॉग करने का मकसद ये था कि तफरी करें, मज़े करें, रमज़ान है, रोज़े हैं, और मज़े की बात है रमज़ान है तो कोई हम ऐसे मुगल्लाज़ात कहते हैं क्या कहते हैं वो हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि रोज़े की हालत में, तो जो भी है बड़े सफाई सुथराई और तमीज़ के दायरे में ब्लॉग बनाया जा रहा है, लेकिन प्लीज़ शहर की हालात बहुत बुरे हैं, ठीक करें यार इसको, और प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ 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 वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ताकि पता चले उन लोगों को जिनको काम करना है और इस शहर को जिनकी ज़रूरत है। देखें इस वक्त नागा चौरंगी काफ़ी हरा भरा पेड़ पौधे लगे हुए, लेकिन नीचे पेड़ों के नीचे जो थैलियों का मार है, प्लीज़ सबसे पहले तो भाई ये प्लास्टिक की थैली ख़त्म करो, इस्लामाबाद में नहीं चलती यार, मैं गया था वहाँ यूज़ नहीं होती, कराची में सारा गंद है, क्यों है भाई ये देखें ये इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। तो मैं था प्लास्टिक की थैलियों पे, देखिए ये शहर है भाई, कोई कहेगा ये शहर, और ये डाउनटाउन कह लें आप, कैसे भाई कैसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, सीन कुछ ऐसे हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं भाई, चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त नागन चौरंगी, और हम जाएंगे अब तकरीबन 5:30 के करीब हो रहा होगा, 7:05 या 7:06 अफ्तार है, अफ्तारी का भी आज एहतमाम है, अफ्तारी भी करेंगे और हम अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं। सो ये देखिए स्पीड ब्रेकर की हाइट चेक करें, ये क्या लाजवाब गाड़ियों ने स्क्रैचेस मार मार के जो है ना स्पीड ब्रेकर खरच दिए हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर छोटे नहीं होंगे, गाड़ियों की जो है ना बैंड बजती रही। और देखिए हम पहुँच चुके हैं तकरीबन अपनी जगह पर, लेकिन प्लीज़ छोटी छोटी कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, क्या क्या मसले हैं शहर के अंदर, लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर करके छोड़ी हुई हैं, ये देखें गाड़ी देखें, इस गाड़ी को लोग बना के रखें तो कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। और देखें बाइकों के ऊपर जो है ना, हाँ 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 6 लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात ज़बरदस्त। देखें अब हमने गाड़ी घुमाई और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो अब अफ्तार भी करेंगे और आपको दिखाएंगे अफ्तार में क्या क्या हमारे पास है खाने के लिए इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नागन चौरंगी की सब्जी मंडी के लिए, यहाँ पे रश आप चेक कर सकते हैं, क्या ज़बरदस्त गहमा गहमी है, 27वां रोज़ा है और रोडों पर रश आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म है। मुझे तो सुनने में आया था कि आज लॉकडाउन वाला सीन है, बट यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं, तो सीन कुछ ऐसे हैं इसी के तो पैसे। ये देखें शहर के बीचों बीच जो गलियाँ होती हैं, हाँ तो रह रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नाले बह रहे हैं, बहुत बुरे हाल हैं भाई यहाँ पे। ये देखें रोड टूटे हुए हैं, प्लीज़ गवर्नमेंट टेक सम एक्शन। तो अब हम पहुंच चुके अपनी मंजिल पे, हैं सलाह जी मास्क क्यों नहीं लगाया तुमने, मास्क लगाएं, SOPs का ख्याल रखें। और हमारा घर ऊपर है जहाँ पे हमें जाना है, तो ये है रास्ता, इस रास्ते से हम जाएंगे। और अब लाइटिंग की कंडीशन कुछ इतनी अच्छी है नहीं, हर जगह इंसानों ने गंदगी फैलाई हुई है, वाई कराची सो डर्टी। ये देखें अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो 3rd फ्लोर में हमें जाना है, चश्मे मैंने उतार दिया, द प्रॉब्लम इज कि बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी बिल्डिंग का ही ख्याल नहीं रखा हुआ जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो शहर को वो आबाद करने वाले शहर के जागीरदार गवर्नमेंट वाले वो कैसे शहर को बनाएंगे। तो ये यूसुफ यूनुस लोग किधर रहते हैं, ऊपर वाला है, ओके ओके, हम लोग गलत घर में आ गए थे, अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये देखें है मुझे व्लॉग में दिखाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये हकीकत है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अब ये सलादीन इसको नॉक कर रहे हैं दरवाजे को। तो मैं कोई यहाँ पे आया हूँ
तकरीबन मैं यहाँ पे यूनुस कितने साल बाद आया हूँ क्या तुम्हें पता है? तकरीबन तीन साल नहीं हुए, मैं तकरीबन यहाँ पे आया हूँ 20 साल बाद। विनीशा अस्सलाम वालेकुम, ये विनीशा है, ये नवाज है। तो देखें हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, आज हमारी इफ्तार है। और ये देखें अस्सलाम वालेकुम, हम पहुँच गए हैं। आसिया भाजी यहाँ पे कुछ पका रही हैं। आज किस चीज़ का ब्लॉग होगा आसिया भाजी? आपने पका लिया है या पका रही हैं? पकौड़े तलने रह गए। चले भाई सारा काम हो चुका है। देखें ये है यूनुस, यूनुस आज आप हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। तो इधर आए यूनुस, रोशनी में। तो यूनुस आज आप जाएंगे तो आपको क्या लगता है आप कितने दिन के बाद वापस आएंगे? ये तो जाने के बाद चलेगा, मतलब है कि कुछ सोचा हुआ नहीं है अभी? बिल्कुल भी नहीं। तो यूनुस भाई रोजे पूरे जा रहे हैं आपके? माशाल्लाह। अच्छा तो यूसुफ आपके रोजे पूरे चल रहे हैं? सारे जा रहे हैं। यहाँ पे सलादीन कैसा महसूस हो रहा है आप पहुँच गए अफ्तारी करने? ये देखें ये बाकी ये यूनुस हैं, इनके घर हम आए अफ्तारी करने के लिए। ये देखिए नसरुद्दीन मोबाइल चला रहे हैं। अब हम आए थे अफ्तारी करने और यहाँ हमारे पास अफ्तारी का सामान आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखें क्या लाजवाब रोल्स आ चुके हैं और हमारे पास क्या है। तो रोल आ चुके हैं, अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये क्या चीज़ें हैं। वाह 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 वाह, ये मुझे लजानिया रोल कुछ लग रहे हैं। और देखिए आसिया भाजी लेके आ गई हैं हमारे लिए दही बड़े, घर में तैयार किए, ये घर में तैयार हुआ। और ये देखिए हमारे पास रोल आ चुके हैं और इसको क्या कहते हैं, जो भी है बहुत मज़े का है लग रहा है। ये देखें समोसे भी आ चुके हैं, अंदर बर्फ़ टूट रही है। और यहाँ पे लाइट नसरुद्दीन ने रोक दी है, देखें अब लाइट आ गई है। फिर जवेरिया डाल रही है पापड़ी। और यहाँ पे भाई यासिर क्या कर रहे हो हैं? यासिर कुछ लेके आए हो मुझे लग रहा है, हैं अपने लिए अलग अलग खजूर लेके आए हो, हमारे लिए नहीं ना। यहाँ देखें हमारी अफ्तारी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। और जब अफ्तारी तैयार हो जाए तो फिर दिल जो है ना ऐसा करता है कि बस उठाएँ और खा लिया जाए ज़बरदस्त। तो इससे याद आया कि ASMR वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और अब हम इनको खाएंगे और मज़े करेंगे। हमारी अफ्तार हो चुकी है स्टार्ट और ये हमने लिया एक ज़बरदस्त खजूर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह से अफ्तार शुरू हो चुकी है। और क्या लाजवाब दस्तरखान बन चुका है हमारा माशाल्लाह से खूबसूरत। सुबह खोलने के बाद जो पानी पीने का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है माशाल्लाह से। आज 27वां रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है और कितनी नेमतें हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। लाजवाब हो गई है अफ्तार। और दही बड़े जो है ना वो तो है मेरे फेवरेट, तो ये दही बड़े वाह वाह वाह। दही बड़े जो है ना जब अफ्तारी का आप करने लगे एंड, तो दही बड़े खाना बहुत ज़रूरी है। जब दही बड़े हो जाए तो फिर आप उड़ाएंगे जलेबी, जलेबी एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए। ओहो जैसे रमज़ान में आप खाते हैं जलेबी और दही बड़े, तो रमज़ान एंड होने वाले रच के खाएँ। क्या क्रिस्पी जलेबी है ना, वाह। आखिरी बात गुलाम करने लगे हैं ब्लॉग का एंड, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हारिस उस्मानी ब्लॉग को बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ तो आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।